एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। लेकिन उससे पहले उसके ऊपर जितने उसमें फॉर्मूले यूज होने हैं पहले उनको देख लेते हैं। चलिए टिक्नोमेट्री का बेस आज हम करने जा रहे हैं। कैसे? टोटल टिक्नोमेट्री को हमने डिवाइड किया है 4 क्वाड्रेंट्स में। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाता है तो आगे तक के लिए टिक्नोमेट्री आपकी अपनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक या पाई बाय 2 तक आप कौन सा क्वाड्रेंट कवर करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 90 से 180 तक यानी पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। 180 से 3π/2 या 270 ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और 3π/2 से 2π या 360 तक होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे कार्टेशियन सिस्टम में आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, वही सेम यहाँ पे टिक्नोमेट्री में एंगल्स को हमने डिवाइड किया है 4 क्वाड्रेंट्स में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो वैल्यूज लाई करती हैं जो 90 से लेस हैं। ठीक है, यानी 90 माइनस थीटा, जब आप 90 से कुछ कम कर दें, और आप कह सकते हैं π/2 माइनस थीटा, दोनों का मतलब सेम ही है। 2π से अगर ये पूरा राउंड आपने कंप्लीट किया और वापस आप यहाँ पे आ गए, दैट मीन्स अगर आपने 2π प्लस थीटा किया है या n इंटू 2π प्लस थीटा किया है, तो भी आप वापस कहाँ मूव कर जाते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक राउंड पूरा किया फिर वापस फर्स्ट में, 2 राउंड पूरे किए फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कितने भी राउंड आप कंप्लीट कर दें तो वापस आप कहाँ आ जाते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये दोनों शो करते हैं किस क्वाड्रेंट को? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। अब सेकंड में कौन सी वैल्यू होगी? जो 90 से तो ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, यानी 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। इस टाइप की जो वैल्यूज़ होंगी वो लाई करती हैं आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसको हम π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको पाई माइनस थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट में आइए। थर्ड में कब आएंगे आप? जब 180 से कुछ ज़्यादा होगा और 270 से कुछ कम होगा, यानी या तो 180 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो। ठीक है, 180 को आप क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस थीटा, और इसको आप क्या लिखते हैं? 3π/2 माइनस थीटा। अब हम फोर्थ में आ गए। फोर्थ में कौन सी वैल्यूज होंगी? जब आप 3π/2 प्लस थीटा यानी इसमें कुछ ऐड करेंगे और 2π से कुछ कम करेंगे। ये तो बात हो गई कि ये वैल्यूज आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से एंगल की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। ठीक हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारा, ऑल मतलब सब, दैट मीन्स ए। यहाँ पे पॉजिटिव है आपका साइन और इसका रेसिप्रोकल, और बाकी सबके सब नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव है 10 और इसका रेसिप्रोकल, बाकी सब नेगेटिव। अब बचा क्या हमारे पास? कॉस और सेक, क्योंकि 6 टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे पास। यहाँ हमने कहा सबके सब पॉजिटिव हैं, इसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। यहाँ 10 और कॉट पॉजिटिव है, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो या तो इसके लिए आप याद रखें ऐड शुगर टू कॉफी, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ ए मतलब सबके सब, एस मतलब साइन और कॉसेक, टी मतलब 10 और कॉट, सी मतलब कॉस और सेक। क्लियर? या आप सिंपल ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव हैं, एस से सेकंड और एस से साइन, सेकंड क्वाड्रेंट साइन, ठीक है, टी फॉर थर्ड, थर्ड और 10, ठीक, जो बचा वो लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे आपको इजी लगे। ठीक है, अब इसको करने का फायदा क्या होगा? अच्छा, एक चीज और है कि इसको जब आप यूज कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा मैं टिक्नोमेट्री वो कार्टेशियन को याद करें, तो यहाँ पे हम x को लेते थे पॉजिटिव और यहाँ x होता था नेगेटिव, यहाँ y होता था आपका पॉजिटिव और यहाँ y होता था नेगेटिव, यही होता था। ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी कोई, तो वो किस टाइप से होगी? जैसे आपने यहाँ से लिया x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव,
जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये एक ट्रायंगल बना सपोज आपका, तो ये वैल्यू हमने आर ले ली, ये तो पॉजिटिव होगी ही होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब तीनों ही पॉजिटिव हैं तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होंगे। लेकिन जैसे ही मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करूंगी तो एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव। आर तो पॉजिटिव ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि वाई पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, ठीक है। टेन भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा, इसी टाइप से जो बाकी वैल्यूज हैं वो सब क्या हो जाती है, नेगेटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम बात करें, थर्ड में आप ऐसे मूव करेंगे, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। तो जब आप टेन में यूज कर रहे हैं, टेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बाकी सब में तो हाइपोटेन्यूज यूज होगा। तो बाकी सब में क्योंकि एक नेगेटिव होगा इसलिए वो नेगेटिव रहता है, और टेन में और कॉट में दोनों नेगेटिव होते हैं इसलिए वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रही बात ये सब। अब हमने क्या करना है, एक होता है हमारे पास ऑड और इवन फंक्शन, वो क्या है। ऑड और इवन का मतलब है कि वो फंक्शन जिसमें हम एक्स को अगर रिप्लेस करें माइनस एक्स से और फंक्शन में कोई चेंज नहीं आए, तो वो वैल्यू होती है मेरे पास इवन फंक्शन, ठीक है। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो एफ एक्स के, तब ये कहलाता है आपका इवन फंक्शन। कॉस एंड सेक बोथ आर इवन फंक्शंस। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे हम कॉस माइनस एक्स लिखते हैं तो उसको हम सिंपली कॉस एक्स लिख सकते हैं, और अगर सेक माइनस एक्स लेते हैं तो उसको हम सिंपली सेक एक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर एफ में माइनस एक्स पुट किया और माइनस एफ एक्स मिल गया तो ये फंक्शन कहलाते हैं हमारे ऑड फंक्शंस। कौन कौन से हैं, साइन, क्योंकि जब आप साइन में माइनस रखते हैं तो वो आपको मिलता है माइनस साइन एक्स, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, उसमें जब आप माइनस लेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स। टेन माइनस एक्स दैट इज माइनस टेन एक्स, और कॉट माइनस एक्सेस माइनस कॉट एक्स। ये तो हो गई ऑड और इवन की बात, ठीक है। हमने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव, एक चीज़ तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है कि जब हम कार्टेशियन की बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की, उससे भी हम इनको डिराइव कर सकते हैं किस टाइप से। आपको क्लियर होना चाहिए पहले कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है एंगल पॉजिटिव है, यानी जब आप इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो एंगल आपका पॉजिटिव है, ठीक है। सपोज आपने लिया ये एक्स है, ये वाई है, ये आर है, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव है एंगल, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो एंगल आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव। ये देता है आपको माइनस ऑफ थीटा, ठीक है। वाई नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, वाई अपॉन आर। और कॉस की बात करें अगर, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं टेन थीटा फाइंड करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन जब हम माइनस की बात करते हैं तो साइन ऑफ माइनस थीटा, अब परपेंडिकुलर क्योंकि नेगेटिव है आर तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ साइन थीटा, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल है, साइन थीटा के, राइट। इसी टाइप से अगर मुझे कॉस माइनस थीटा लेना है तो कॉस के लिए क्या यूज करेंगे आप, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एक्स अपॉन आर। तो कॉस तो सिंपल कॉस है, इसमें माइनस से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चाहे आप इस वे में, ऐसे ही आप 10 भी फाइंड कर सकते हैं, 10 ऑफ माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस वाई अपॉन एक्स, जबकि वाई अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो है 10 थीटा, तो ये भी मुझे क्या मिल जाता है, माइनस ऑफ 10 थीटा, ठीक है। तो अगर नेगेटिव को आप आउटसाइड करते हैं तो साइन, टेन, कॉट और कॉसिक, उन सब में माइनस आपको आउटसाइड लेना होगा,
कॉस और सेक उसमें माइनस से कोई इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज इवन फंक्शन। क्लियर है? अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। जो आपने पहले से तीन फॉर्मूले किए हैं उनका हम इसमें यूज करेंगे। कौन कौन से हैं वो तीन? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू वन, उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन इज sec स्क्वायर एक्स, एंड cot स्क्वायर एक्स प्लस वन इज cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज में केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन हैं, या तो आपको कोई भी एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है किसी भी क्वाड्रेंट में और बाकी फंक्शंस आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, और या फिर कोई एंगल गिवन है उस टाइप की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बस फॉर्मूले हमने ये यूज करने हैं। कैसे स्टार्ट करना है? चलिए, जैसे कोई भी क्वाड्रेंट है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि पहले आपने किस फंक्शन की वैल्यू है। हमें गिवन है cos x, क्या है वैल्यू? माइनस हाफ, ठीक है। sec x आप डायरेक्ट फाइंड कर दीजिए जस्ट इसका रिवर्स, यानी माइनस टू, एक आंसर तो यहीं पे आ गया। फिर आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, या साइन स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन एक्स हो जाता है आपका प्लस और माइनस किसके इक्वल? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो 4 माइनस 1 यानी 3/4, ये वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस रूट 3/2। दोनों साइन लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो एंगल है x वो लाई करता है किस में? लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा थर्ड t कौन पॉजिटिव है? टेन पॉजिटिव है और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो साइन को मुझे किस में लेना होगा? माइनस में। वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बस प्लस माइनस में आपको ध्यान रखना है। साइन आ गया तो cosec भी मुझे मिल सकता है, कितना हो गया? 2/√3, जस्ट इसका रिवर्स। अब 10x मुझे फाइंड करना है तो 10 की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। साइन हम फाइंड कर चुके हैं, कॉस हमें गिवन था √3, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और कॉट हो जाएगा आपका 1/√3 क्योंकि इसका रिवर्स, ठीक है। तो इस टाइप से आप केवल क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपने साइन यूज करना है, बाकी प्रोसीजर पूरा सेम है। जैसे सपोज ये भी वापस आपका क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट, cot x 3/4, यहाँ से आप रिवर्स करके 10 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 10 का रिलेशन आप यूज करें या cot का रिलेशन, वहां से एक फंक्शन और आ जाएगा, उसी टाइप से आपने इसको सॉल्व कर देना है। एक सेकेंड क्वाड्रेंट का और देखिएगा, जैसे 10x है मेरे पास, 10x की वैल्यू है -5/12। अब माइनस क्यों है? क्योंकि ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 आपका होगा नेगेटिव, तो आपने लेना है क्योंकि हमें गिवन है 10x कितना? 5/12, ठीक है, और x है आपका किस में? सेकेंड क्वाड्रेंट। 10 का रिलेशन यहीं से cot तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं 12/5, और एक रिलेशन है मेरे पास sec स्क्वायर x 1+10 स्क्वायर x, ठीक हो गया। यहां से मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ? sec x की वैल्यू 1+25/144, 169, ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे उसका √13 sec आ गया, इसको आप लेंगे किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में, इन सेकेंड क्वाड्रेंट sec इज नेगेटिव, कितना हो जाएगा? 13/12, तो cos क्या हो गया मेरे पास? cos की वैल्यू हो गई 12/13। जैसे ही cos आया साइन आप फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, दैट इज 144/169, 169 से 144 सब्ट्रैक्ट हो गया 25, यानी 5/13। साइन आ गया, आप cosec भी फाइंड कर सकते हो, दैट इज योर आंसर।
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने बस ये तीन रिलेशन यूज करने हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन, वन प्लस टेन स्क्वायर इज सिक्स स्क्वायर एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर इज कॉस एक्स स्क्वायर। जो गिवन है उसकी हेल्प से आपने उसका रेसिप्रोकल तो वहीं पे फाइंड कर देना है, और फिर ये रिलेशन यूज करके आप आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब जो एंगल आपको फाइंड करने हैं, इनको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमने अभी ऑड और इवन का तो किया था, नेगेटिव को पहले हम बाहर कॉमन भी कर सकते हैं और बिना कॉमन के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जैसे हमें फाइंड करना है 765, अगर ये 360 से ग्रेटर है तो आप 360 से पहले इसको डिवाइड कर दें, कितने टाइम, टू टाइम, क्या वैल्यू 45। अब हम इसको क्या लिखेंगे, साइन 2 इंटू 360 प्लस 45, क्या मतलब हुआ इसका, एक राउंड कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, और फिर आप वापस कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, वैल्यू केवल किसकी आएगी 45 की, और साइन 45 होता है आपका 1/√2, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जैसे मेरे पास कॉसिक माइनस 1410, कॉसिक में माइनस क्या हो जाता है, आउटसाइड, ठीक है। अब इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, अगेन 360 से, कितने टाइम, फोर टाइम, फोर टाइम तो ज्यादा हो रहा है तो इसलिए हमें थ्री टाइम करना पड़ेगा, 300। ये आ गया मेरे पास 0 3 330, ठीक है। माइनस इसको हमने ब्रेक किया 3 इंटू 360 और प्लस 330 में, फिर से 3 इंटू 360 का मतलब तीन राउंड कंप्लीट हो गए, वापस आप कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब आप क्या लिखेंगे, कॉसिक 330, और 330 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, इसको हम लिख देंगे 360 माइनस 30, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 से कुछ कम कर रहे हैं आप, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉसेक इज नेगेटिव, सो दिस बिकम्स माइनस कॉसेक 30, कॉसेक 30 इज माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर मुझे पाई में वैल्यू गिवन है तो कैसे सॉल्व करना है, पाई में कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, पाई का मतलब है 180, ठीक है, 180 डिग्रीज। तो एक मेथड तो ये है कि आप इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर दें, और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको पाई में ही सॉल्व कर दें। तो जैसे मुझे फाइंड करना है कॉट माइनस 15 पाई बाय 4, सबसे पहले इस माइनस को हम क्या ले लें, आउटसाइड, माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 3 टाइम, तो ये पूरा पूरा हो गया, 3 से बेटर है कि हम इसको 2 पाई लें, 4 2 8, 2 के मल्टीपल लीजिए 2 पाई के, ताकि एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, प्लस क्या बचा आपके पास, 7 पाई बाय 4, 4 2 8 8 7 15, ठीक है। 2 पाई का एक राउंड कंप्लीट किया, वापस आप कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे ही आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, अब इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 4 2 8 8 में से 1 सबट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 7 पाई बाय 4, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट शो कर रहा है, 2 पाई से कुछ कम, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू आ गई माइनस कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 1, 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है, किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज इतना ही, थैंक यू।